हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेचर पोर्शन को और उसके अंतर्गत एक बहुत ही खूबसूरत पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसके पोइट है निसिम एज़किल। जैसे कि स्कूल लेक्चर एग्जाम हमारा मेन फोकस है और उसमें पोइट या राइटर से संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इस पोएम के मेन कॉन्सेप्ट पर ही हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से कॉम्पिटिशन लेवल पे वर्ड वाइज वर्ड इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता है, हम सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए इस पोएम को एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं इस पोएम के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो पोएम पब्लिश हुई है वो हुई है 1965 में, द एग्जैक्ट नेम में। ये पब्लिकेशन का नाम था और इसकी डेट जो पब्लिकेशन की थी वो थी 1965। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पोएम जो लिखी गई है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। याद रखिएगा, एक प्रकार की लिटरेरी फॉर्म होती है फ्री वर्स और दूसरी होती है ब्लैंक वर्स। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं इनको कि इनमें क्या मुख्य डिफरेंस होता है। फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स दोनों में ही किसी प्रकार की राइमिंग नहीं होती है। कहने का मतलब नो मैचिंग ऑफ साउंड, किसी भी प्रकार की तुकबंदी इसमें देखने को नहीं मिलती। तो फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में मुख्य अंतर ये हुआ कि फ्री वर्स में किसी प्रकार का मीटर नहीं होता, कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती लाइन की, और ब्लैंक वर्स में एग्जैक्ट आयम्बिक पेंटामीटर होता है। कहने का मतलब टोटल 10 सिलेबल्स एक लाइन के अंतर्गत होंगे और वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाएगी। कहने का मतलब पहले अनस्ट्रेस सिलेबल और उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल, तो उसको कहा जाता है ब्लैंक वर्स। और दूसरी, अगर किसी प्रकार का मीटर ना हो, किसी प्रकार की तुकबंदी ना हो और ना ही कोई एग्जैक्ट मीटर या कुछ की लेंथ हो, तो उसको फ्री वर्स कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि द पोएम रीड्स लाइक ए स्टोरी। इस पोएम को एक कहानी की तरह पढ़ा जाता है। कहने का मतलब जो पोइट है वो अपने चाइल्डहुड के एक इंसिडेंट को याद करते हैं जब उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन के द्वारा काट लिया जाता है। इस प्रकार से जो विलेजर्स होते हैं वो अपने अपने सुपरस्टिशन शो करते हैं, वो ही सारा इस पोएम के अंतर्गत बताया गया। याद रखिएगा, ये पोएम जो है पूरी की पूरी पास्ट टेंस में लिखी गई है। दूसरा, इसके टाइटल की बात की जाए तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, हालांकि एक सिंबॉलिक वे में भी इस टाइटल को लिया जा सकता है, क्योंकि माना जाता है कि जितने भी इविल डीड्स होते हैं, जितने भी बुरे कार्य होते हैं, वो नाइट में ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे नाइट सिर्फ नाइट को इंडिकेट नहीं कर रही है, ये इग्नोरेंस को शो कर रही है, ये एक इविल को शो कर रही है, अगर इसको सिंबॉलिक वे में देखा जाए तो। दूसरा, ये पोएम जो लिखी गई है वो 47 लाइन्स में लिखी गई है और इसको 8 स्टेंजाज में डिवाइड किया जा सकता है, और प्रत्येक स्टेंजा की जो लेंथ है और लाइन की जो नंबर है वो सारा अलग अलग देखने को मिलता है। अगर इन 8 स्टेंजा को सीक्वेंस में देखा जाए तो पहले स्टेंजा के अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार स्कॉर्पियन घर में घुसता है और उसकी मदर को काटता है। दूसरे स्टेंजा के अंतर्गत स्कॉर्पियन काटने के बाद वापस उसका डिपार्चर दिखाया गया है कि किस प्रकार वो बरसात के अंदर वापस चला जाता है। तीसरे स्टेंजा के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा किस प्रकार से विलेजर्स से वो बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, और फोर्थ स्टेंजा के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा कि वो उसको सर्च कर रहे हैं स्कॉर्पियन को, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन पांचवें और छठे स्टेंजा में विभिन्न प्रकार की प्रेयर्स वो कर रहे हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलेगी। सातवें स्टेंजा में पहली बार पोइट के फादर की एंट्री होती है, एक होली मैन को दिखाया गया, और आठवें स्टेंजा में दिखाया गया कि किस प्रकार से 20 आवर्स के बाद उसकी मदर की रिकवरी होती है उस पॉइजन के इफेक्ट से। तो ये 8 स्टेंजा का सिक्वेंस है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें कुछ इसमें ये है कि जो इसका मुख्य जो सेंटर पार्ट है वो है स्कॉर्पियन। सारी की सारी घटना स्कॉर्पियन पे डिपेंड है, इसीलिए पोएट ने इसको पर्सोनिफाई किया है। याद रखिएगा, इस पूरी पोएम में जब भी हम देखेंगे तो स्कॉर्पियन के लिए कहीं भी इट यूज नहीं किया गया, हमें उसके लिए ही या हिज देखने को मिलेगा, तो स्कॉर्पियन यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कितने प्रकार के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल 6 प्रकार के कैरेक्टर्स हैं। पहला, पोइट एक बॉय के रूप में, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बल्कि एक स्पेक्टेटर के रूप में इस पूरी इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा कैरेक्टर है स्कॉर्पियन, जो इस पूरी इंसिडेंट का सेंटर है। तीसरा कैरेक्टर है उसकी मदर, जिसको यहाँ पे काटा जाता है, और फोर्थ कैरेक्टर है विलेजर्स, पांचवा कैरेक्टर है फादर और पोइट, और छठा कैरेक्टर है एक होली मैन। तो 6 कैरेक्टर्स इस प्रकार से इसमें यूज किए गए हैं। दूसरा, इसकी थीम की बात की जाए तो द थीम ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन द कंटेम्प्रेरी इंडियन रियलिटीज ऑफ कंट्री साइड, और हम कह सकते हैं सेल्फ इफेसिंग लव ऑफ अ मदर। इसमें हमें दो चीज़ों के बीच कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, गुड और इविल के बीच में, इग्नोरेंस और नॉलेज के बीच में,
रैशनलिज्म और इरेशनलिज्म के बीच, और इन दोनों के बीच जो विक्ट्री होती है वो होती है सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर। इस पोएम की स्टोरी की बात की जाए तो ये एक ऐसी सिचुएशन पे स्टार्ट होती है जब 10 आवर से लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से एक स्कॉर्पियन जो है वो पोइट के घर में आ जाता है और वहां पे चावल का एक थैला होता है, सैक ऑफ राइस, उसके अंदर वो अपने आप को हाइड कर लेता है। और स्कॉर्पियन की प्रीडेटरी जो इम्पल्स है उसकी वजह से उसकी मदर को काट लिया जाता है, और काटने के बाद ये वापस बरसात में चला जाता है। तभी विलेजर्स की एंट्री होती है और उस स्कॉर्पियन को वो ढूंढने लगते हैं। जब स्कॉर्पियन को कहीं नहीं ढूंढ पाते तो वो कुछ प्रकार की प्रेयर्स करते हैं मदर के लिए, और उन प्रेयर में हमें देखने को मिलेगा कि उनका किस प्रकार से सुपरस्टिशन झलकता है। लेकिन जब वो किसी प्रकार से ढूंढ नहीं पाते हैं तो वो उसकी मदर को घेर कर बैठ जाते हैं। ये सारे सुपरस्टिशंस को शो करें, तभी एंट्री होती है पोइट के फादर की, जिनको आयरनिकली प्रैग्मेटिस्ट बताया गया है, रैशनलिस्ट बताया गया, हालांकि वो भी तर्कसंगत नहीं है मेडिकल साइंस के प्रति, वो भी अननोन है, लेकिन वो एक बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी उस पॉइजन को टैम करने के लिए करते हैं। उसके बगल में ही एक होली मैन हमें देखने को मिलता है जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कर रहा है, लेकिन आखिरकार 20 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली मदर की रिकवरी हो जाती है उस जहर से। और जब उसको होश आता है तो वो यही कहती है कि अच्छा हुआ कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बचा लिया। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो पोएम है वो सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर को बताती है। ये पोएम क्या क्या शो कर रही है याद रखिएगा, ये सुपरस्टिशंस ऑफ कंट्री साइड इन इंडिया उसको तो शो कर ही रही है, इसके अलावा सेल्फ इफेसिंग लव ऑफ अ मदर को भी ये शो कर रही है। इसमें हमें जो विलेजर्स जो देखने को मिलेंगे वो हमें सुपरस्टिशियस, इग्नोरेंट, इलिटरेट देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, जैसे वो हेल्पिंग है, अफेक्शनेट है, सिंपैथेटिक है, इस प्रकार की क्वालिटीज़, केयरिंग है, वो हमें उनमें देखने को मिलेगी। दूसरा, इविल के सिंबल इसमें कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे, तो 3 प्रकार के सिंबल देखने को मिलेंगे। एक तो नाइट इट्सेल्फ, द आर्किटाइपल सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, खुद ये फंडामेंटल सिंबल है इग्नोरेंस का। इसके अलावा स्कॉर्पियन खुद, और तीसरा जाइंट जो हम शेडोज देखेंगे, विभिन्न परछाइयां दानवीय रूप से, तो वो भी इविल को शो कर रही है। तो इस प्रकार से 3 सिंबल हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कंपटीशन लेवल पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो रेन है वो 10 आवर्स की इसमें शो की गई है याद रखिएगा, और जो इफेक्ट ऑफ पॉइजन है वो 20 आवर्स तक रहता है। स्कॉर्पियन ने उसकी मदर को कहाँ पे काटा है, टॉप पे काटा है, जो हमें लास्ट में देखने को मिलेगा, और स्कॉर्पियन खुद को हाइड करता है, वो सैक ऑफ राइस के अंडर करता है, चावल का थैला है उसके नीचे छुपा लेता है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे इसमें दे सेड का यूज किया गया है बार बार, की जो विलेजर्स है वो किस प्रकार से अपने सुपरस्टिशियस बिलीव को शो करते हैं, तो ये फ्रेज जो दे सेड है वो इस पूरी पोएम में 5 बार, 5 टाइम्स यूज की गई है। मदर जो वर्ड है इसमें 6 टाइम्स यूज किया गया है, और स्कॉर्पियन जो वर्ड है वो इसमें 4 टाइम्स यूज किया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, इट प्रोनाउन का यूज कहीं भी स्कॉर्पियन के लिए यूज नहीं किया गया, इट का यूज इस पूरी पोएम में 2 बार यूज किया गया है, और 2 बार, पहली बार टॉ के लिए यूज किया गया है जहां पे स्कॉर्पियन स्टिंग करता है, और दूसरा जो यूज किया गया है वो इफेक्ट ऑफ पॉइजन के लिए किया गया है जो हमें लास्ट में देखने को मिलेगा। तो दूसरी याद रखिएगा, जो रेन है उसको 2 प्रकार के एडजेक्टिव से मॉडिफाई किया गया है, स्टेडी रेन और दूसरा एंडलेस रेन, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस पोएम में टोटल प्रेयर्स की बात देखी जाए तो वो टोटल 5 प्रेयर्स यूज की गई है डिफरेंट, वो हम देखेंगे 5वें और 6वें स्टेंजा के अंतर्गत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो विलेजर्स जो आते हैं उनके लिए कौन से वर्ड यूज किए गए याद रखिएगा, विलेजर वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया, उनके लिए पेजेंट्स या दे वर्ड उनके लिए यूज किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ इस पोएम का इंट्रोडक्शन। अगर इस पूरी पोएम को आप कॉम्पिटिशन लेवल पर एक्सप्लेनेशन, वर्ड वाइज वर्ड, लिटरेरी टर्म्स का यूज, सारा कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर मैसेज कीजिए, उसके बाद यूट्यूब के पैड ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, जो कि एक रजिस्टर्ड पैड ग्रुप है जिसमें स्कूल लेक्चर की पूरी फीस 2000 रुपये है। तो मिलते हैं आपको एक बार फिर नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा के।